गंदे स्नीकर्स पहन पहन के अपना सारा स्टाइल खराब मत करो। स्पेशली अगर आपके पास स्नीकर्स ही 3 या 4 हैं, तो उनको ज्यादा रेगुलरली पहनते होगे, तो उनको साफ रखना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि वो हमेशा न्यू लगे और आप एकदम कूल दिखो। जैसे कि मैं पर्सनली अपने सारे स्नीकर्स एकदम साफ रखता हूँ, मतलब इस वीडियो के बहाने आज कर लूंगा यार साफ। लेकिन कौन से मटेरियल को कैसे साफ करते हैं और शू का कौन सा पार्ट कब किस चीज से साफ करना है, वो बहुत जरूरी होता है। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड ये वीडियो है स्नीकर क्लीनिंग गाइड। और आपके स्पेसिफिक स्नीकर को बिना डैमेज करे सही से साफ करना है पैसे बचाते हुए, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना एंड एंड तक देखना, क्योंकि मैं एंड में बताऊंगा आपको कि क्या आप अपने स्नीकर्स वॉशिंग मशीन में साफ कर सकते हो। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक। एंड हाँ, नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना यार। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यार, प्लीज अपने स्नीकर्स को जब वो गंदे हो जाते हैं उससे 3 या 4 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर साफ कर लेना, नहीं तो फिर उसके ऊपर से वो गंदगी हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये चीज मैंने काफी नुकसान झेल के सीखी है, तो प्लीज मेरी बात मान लो, ये गलती मैं कर चुका हूँ। और मान लो अगर आप वीकेंड पे बैठे हो अपने सारे स्नीकर साफ करने के लिए, तो सबसे पहले जो लाइट कलर का स्नीकर है या जो व्हाइट कलर का स्नीकर है उसको साफ करना, और एंड में वो जो ब्लैक कलर का स्नीकर है फिर डार्क कलर का स्नीकर है उसको साफ करना, ताकि जो स्टार्टिंग में आपने पानी यूज करना शुरू किया है साफ करने के लिए, वो एंड तक अगर गंदा हो जाएगा तो व्हाइट वाले एंड में साफ करोगे तो उसमें वो गंदगी चढ़ सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, हर मटेरियल की सफाई अलग तरीके से होती है, तो इसके लिए मैं आपको ना डिफरेंट मटेरियल्स बता देता हूं जो जनरली होते हैं स्नीकर्स। देखो, जो आपकी आउटसोल और मिडसोल होती है, मतलब कि नीचे का पार्ट और नीचे के साइड वाला पार्ट, वो तो बहुत रफ एंड टफ होती है, तो उसको तो आप आसानी से साफ कर पाओगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो अपर पार्ट है वो लेदर का बना है, कैनवस का बना है, निट मटेरियल का बना है, या स्वेड का बना है, या मेश का बना है। इसमें स्वेड या फिर नुबुक लेदर को छोड़ के बाकी सब सेम तरीके से साफ होते हैं, उनको आप घिस के साफ कर सकते हो, बट स्वेड और नुबुक को अगर आप घिस के साफ करोगे तो वो एकदम खराब हो जाएंगे, उनकी वो फील चली जाएगी, वो मैट फिनिश जो होती है ना वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं क्या क्या चीजों की आपको जरूरत होगी स्नीकर क्लीनिंग करने के लिए। सबसे पहला चाहिए आपको एक ड्राई टॉवल, जो कि आप नीचे अपने टेबल पे बिछाओगे और उसके ऊपर ही सारा स्नीकर क्लीनिंग करोगे, ताकि आप गंदा मचाओ और आपकी मम्मी आपको चप्पल ना मारे। नेक्स्ट चाहिए आपको एक लिंट रोलर, जो कि बेसिकली किसी भी कपड़े या जूते या कहीं पे भी अगर जो रेशे जम जाते हैं ना, रेशे मतलब वो जो फाइबर के छोटे छोटे एकदम चिपके हुए होते हैं, वो हटाने के लिए। नेक्स्ट चाहिए आपको 2 बाउल्स ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी की 2 कटोरिया। फिर आपको चाहिए एक बढ़िया सा क्लीनिंग सॉल्यूशन किसी अच्छे से ब्रांड से। मैं इस वीडियो में किसी ब्रांड की बात नहीं करूंगा, जो मैंने ट्राई करे हुए हैं उनको मैं नीचे लिस्ट कर दूंगा, आप उन लिंक से खरीद सकते हो। या फिर अगर आपको नहीं खरीदना है तो आप अपने घर बैठे एक क्लीनिंग सॉल्यूशन बना सकते हो पैसे बचाने के लिए, और ये बनाना भी बहुत आसान होगा। 1 चम्मच लिक्विड डिटर्जेंट ले लेना, और साथ में एक फैब्रिक सॉफ्टनर होता है वो, उसमें 1/2 चम्मच ऐड कर देना और उसे पानी में मिला लेना 1 कटोरी। और ऐसे आप मम्मी पापा का सामान यूज कर रहे होगे, लेकिन आपके तो पैसे बचेंगे, तो देखो आपके पैसे बचा रहा हूं यार, प्लीज लाइक तो बनता है वीडियो पे, और वैसे भी चैनल को हेल्प करो यार इंडिया का नंबर 1 बनने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए एक सॉफ्ट ब्रश। यार ये सॉफ्ट ब्रश भी आपको स्नीकर क्लीनिंग किट्स में मिल सकता है, या फिर आपने कभी कोई शूज लिए होंगे उनके साथ मिला होगा, या आपके पापा ने कभी कोई लेदर शूज लिए होंगे उसके साथ जरूर मिला होगा। इसमें भी पैसे बचाने हैं, तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत के साथ आप एक टूथब्रश यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना यार जो ब्रिसल्स होंगे ना, ब्रिसल्स मतलब जो ब्रश के बाल निकले होते हैं, वो ज्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका शूज डैमेज हो जाएंगे। अब याद रखना कि अगर आपके शूज का मटेरियल बहुत डेलिकेट है तो आप उस पर ब्रश मत यूज करना, आप उसके ऊपर यूज करना कोई स्पॉन्ज वगैरह ले लेना। नेक्स्ट आपको चाहिए एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ। माइक्रोफाइबर क्लॉथ टॉवल जैसा नहीं होता है, टॉवल एकदम अलग चीज है, आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ ऑनलाइन सर्च करना आपको मिल जाएगा। इसकी बेस्ट बात ये होती है कि ये बहुत ड्यूरेबल होता है, टॉवल को आप 1-2 बार यूज करोगे, धोगे, फिर वो बहुत रफ सा हो जाता है और उतने अच्छे से काम नहीं करता। माइक्रोफाइबर क्लॉथ बहुत लंबा चलता है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट आपको चाहिए एक डिओड्रेंट, चाहे वो शू डिओड्रेंट हो या फिर आपकी कोई नॉर्मल डिओड्रेंट भी चल जाएगी। अगर डिओड्रेंट भी नहीं यूज करना चाहते तो पुराने कोई एक्सपायर्ड ग्रीन टी के जो टी बैग्स होते हैं वो भी चलेंगे, या फिर जाओ मम्मी के अलमारी में ना नैफ्थलीन बॉल्स पड़ी होंगी जो वो स्वेटर में डाल के रखती है, वो चुरा लो और वो डाल देना शूज में। एंड लास्ट चीज आपको चाहिए वो है शू ट्रीज। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्नीकर के अंदर उसको अंदर से शेप रिटेन करने के लिए, उसको हार्ड रखने के लिए डालते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारा क्लीनिंग प्रोसेस, स्टेप 1। यार सबसे पहले ना हमें कोई पानी सॉल्यूशन कुछ नहीं लगाना, सिर्फ एक टॉवल से उसको ड्राई तरीके से एकदम उसके ऊपर से जो ऊपर ऊपर की धूल है वो झाड़नी है, क्योंकि अगर ये ड्राई धूल जो उसके ऊपर बस रखी हुई है उसके ऊपर अगर हमने पानी वाला कुछ यूज कर लिया तो वो चिपक जाएगी उस कपड़े से, फिर मुश्किल हो जाएगा प्रोसेस। तो वो धूल झाड़ दो उसके ऊपर से, एंड इसके लिए आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी यूज कर सकते हो, आप ब्रश भी यूज कर सकते हो ड्राई एकदम, और टॉवल भी यूज कर सकते हो ड्राई एकदम। अब जो उसके ऊपर तब भी थोड़ी थोड़ी धूल लगी हुई है या फिर कुछ रेशे लगे हुए हैं जो कि ड्राई टॉवल या माइक्रोफाइबर क्लॉथ से या ब्रश से नहीं हटे हैं,
उनको हटाने के लिए आप यूज करोगे लिंट रोलर। तो हल्के हाथ से लिंट रोलर अपने स्नीकर के ऊपर प्यार प्यार से चलाओ। याद रखना, अभी स्नीकर को गीला नहीं करना है किसी भी तरीके से। नेक्स्ट स्टेप है कि लेसेस को हटा दो। जैसे लेसेस से याद आया कि आजकल व्हाइट लेसेस की जगह ना क्रीम कलर के लेसेस बहुत चल रहे हैं, तो आपको कौन से पसंद है, व्हाइट लेसेस या क्रीम लेसेस, देखो नीचे कॉमेंट्स में बताओ। यही है कि विवेक का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्लीन करना शुरू करेंगे हमारी आउटसोल और मिडसोल को। बाय द वे, इस वीडियो के लिए मैं साफ कर रहा हूँ मेरे वैंस ओल्ड स्कूल, क्योंकि इस पे हर टाइप का मटेरियल है। इस पे कैनवस भी है इसके बीच वाले पार्ट में, इसके ऊपर लेदर भी है, इस पे जो स्ट्राइप बनी हुई है वो, इसके आगे और पीछे टो बॉक्स और हील बॉक्स पे स्वेट भी है। यार अब बहुत बेसिक सा प्रोसेस है, जो आपने एक वाटर वाला बोल लिया था उनमें से एक में आप क्लीनिंग सॉल्यूशन डाल दो थोड़ा सा, उसके अंदर अपना ब्रश डिप करो और उसके बाद अपने स्नीकर की आउटसोल और मिडसोल पे अच्छे से ब्रश से घिसो। और स्टार्टिंग में ना अपना जो सॉल्यूशन बनाओगे ना उसमें ज्यादा क्लीनर मत डालना, पानी का अमाउंट ज्यादा रखना, क्योंकि आउटसोल और मिडसोल पे आप वैसे भी थोड़ा सा हार्श रगड़ सकते हो, तो अपना क्लीनर क्यों वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा हार्श रगड़ के मैल हटा दो उसके ऊपर से। और ध्यान रखना कि आपका ब्रश ऊपर वाले पार्ट पे अभी ना लगे, क्योंकि आप बहुत जोर से घिस रहे हो, जो कि आपका आउटसोल और मिडसोल तो झेल सकता है लेकिन ऊपर वाला पार्ट खराब हो सकता है उससे। अब एक बार आपने अच्छे से घिस लिया है तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ लो और उसको वाइप करके साफ कर दो, कुछ पानी वानी स्प्रे करने की जरूरत नहीं है उस पर। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपका ब्रश साफ करते करते थोड़ा ज्यादा गंदा हो जाता है ना, तो जो हमने दूसरा बोल रखा है ना जिसमें सिर्फ पानी है, उसमें थोड़ा सा डिप कर लो, थोड़ा सा गंद हट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो है अपर क्लीनिंग। अब अपर क्लीनिंग से पहले आप बहुत ध्यान से उसके अंदर एक शू ट्री डाल दो, ताकि वो अपनी शेप रिटेन करे। बेसिकली अंदर से शू ट्री प्रेशर लगाएगा तो बाहर से साफ करना आसान हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत ये हो जाएगी कि जब आप साफ कर रहे होगे तो वो शू नीचे दबता रहेगा। तो अब जैसे इन शूज का ना जो बीच वाला पार्ट है उसमें कैनवस मटेरियल भी है और उसके अंदर लेदर मटेरियल भी है, तो ऐसे मटेरियल पे आपको बस ब्रश को क्लीनिंग सॉल्यूशन में डिप करके अच्छे से इनके ऊपर रब करना है। उतनी तेज नहीं घिसना जितना आपने आउटसोल मिडसोल घिसा था, लेकिन इसमें बहुत प्यार प्यार से चलाना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकदम लैदर बने, मतलब फ्रॉथी, मतलब एकदम झाग झाग बनना चाहिए वहां पे, तभी इसका मतलब है कि क्लीनिंग हो रही है। यार बेसिकली जो कैनवस मटेरियल होता है, फिर इवन अगर आपके शूज निट मटेरियल के होते हैं, जैसे स्वेटर टाइप का मटेरियल होता है, उनपे ना डर्ट बहुत ज्यादा जमती है, तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा देर घिसना पड़ेगा, ज्यादा जोर से मत घिसना नहीं तो आप उसके फाइबर खराब कर दोगे, टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। और एक बार काफी अच्छे से वहां झाग बना चुके हो तो उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ लो और उसको भी वाइप ऑफ कर दो। और जैसे इन स्नीकर्स का आगे और पीछे वाला पार्ट स्वेड का है, तो स्वेड के ऊपर आपको बिल्कुल भी गीला ब्रश नहीं चलाना है, उसकी सारी फील खराब हो जाएगी। स्वेड पे आपको यूज करना है एक चीज जिसको कहते हैं स्वेड इरेजर। अब स्वेड इरेजर आप अलग से परचेज कर सकते हो, वो थोड़ा सा महंगा आता है, तो इसलिए यहाँ पे पैसे बचाने के लिए मैं नॉर्मल जो पेंसिल इरेजर वाला इरेजर होता है वो यूज कर रहा हूँ। उसे देखो यार, आपको टाइम ज्यादा लगेगा और आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा वो, क्योंकि थोड़ा सा हार्श होता है, लेकिन हाँ काम सही हो जाएगा। तो इरेजर से आपको स्वेट पे बस प्यार प्यार से घिसना है, जहां पे अगर कोई जिद्दी स्टिकी सा दाग हो ना उसके ऊपर थोड़ा देर तक घिसते रहना वो हट जाएगा। वैसे स्वेट को क्लीन करने के भी अलग से सॉल्यूशंस आते हैं, उनके बारे में बात करूंगा बूट्स क्लीनिंग वीडियो में, जिसमें आपको अपने स्वेट चेल्सी बूट साफ करके दिखाऊंगा। तो वो वीडियो जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पे फटाक से 10,000 लाइक्स कर दो। और यार ऊपर का साफ करते हुए उसकी टंग को अच्छे से साफ करना मत भूलना। और हाँ, अगर कोई ऐसी छोटी सी जगह रह भी जाती है जहां इतना बड़ा ब्रश नहीं पहुंचता, वहां पे आप एक टूथब्रश यूज कर सकते हो वो छोटी छोटी क्रैक्स के अंदर साफ करने के लिए। एंड नेक्स्ट स्टेप आता है वॉशिंग मशीन में डालना। अब ये स्टेप एकदम ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि आपके स्नीकर अभी भी अच्छे तरीके से साफ नहीं हुए, आप सैटिस्फाइड नहीं हो, तो आप वॉशिंग मशीन वाला यूज कर सकते हो स्टेप। मैं रेकमेंड करूंगा कि मत करो, लेकिन अगर कर भी रहे हो तो उसमें बहुत ध्यान से करना होता है, तो बहुत ध्यान से शुरू हो। एक तो पहली बात, कोई हार्ड लेदर वाले स्नीकर्स बिल्कुल भी वॉशिंग मशीन में मत डालना, उनकी शेप बर्बाद हो जाएगी। अब वॉशिंग मशीन में डालने से पहले आपको अपने स्नीकर्स को या तो एक शू वॉश बैग में डालना होगा, जो कि अगेन एडिशनल खर्चा है, अगर आप नहीं करना चाहते तो एक टाल के अंदर आप उसको रैप करके भी डाल सकते हो। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वॉशिंग मशीन में ना जो वॉशिंग मशीन की वॉल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा लड़ेंगी, मतलब भिड़ेंगी उससे आपके स्नीकर से, तो वो डैमेज हो सकता है। और वॉशिंग मशीन वाला मेथड आपके निट वाले स्नीकर्स, कैनवस स्नीकर्स जैसे कि कॉन्वर्स वगैरह होते हैं, और जो आपके स्पोर्ट्स शूज होते हैं रनिंग वगैरह वाले, उन सब पे फिर भी काम करेगा। अब धोते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि आपको सिर्फ लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज करना है धोते हुए, वो भी सॉफ्ट वॉश वाला, नहीं तो क्या होगा, पाउडर डिटर्जेंट ना आपके शूज के छोटे छोटे जो क्रैक्स होते हैं उसमें जाके जम जाएगा, वो इतने अच्छे से नहीं साफ कर पाता। और डिटर्जेंट कोई भी हो, गलती से भी अपने स्वेड वाले शूज तो गलती से भी वॉशिंग मशीन में मत धोना। तो मैं अपने वैंस को वॉशिंग मशीन में नहीं धोने वाला हूं, मैं अपने कॉन्वर्स को आपको वॉशिंग मशीन में धो के दिखा सकता हूं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं जस्ट भूलने वाला था वो ये है कि आपको उसके अंदर गर्म पानी वाली सेटिंग नहीं यूज करनी है। अगर
अगर आप गर्म पानी वाली सेटिंग यूज करोगे तो आपका कलर फेड हो जाएगा शूज का और उसका फैब्रिक भी खराब हो जाएगा और बहुत जल्दी फटने वाली हालत में हो जाएगा। तो इसलिए एकदम कोल्ड वॉश सॉफ्ट वॉश में धोना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनसोल्स को कैसे साफ करना है। इनसोल्स मतलब जो स्नीकर के अंदर एक बेस होता है जिसको आप बाहर निकाल सकते हो, उसको बाहर निकाल के रख लो। मेरे वैंस में तो नहीं थे, मैं आपको किसी और स्नीकर के इनसोल साफ करके दिखा रहा हूँ। इसको आप बेसिकली बहुत हल्के हाथ से ब्रश से ही थोड़ा थोड़ा वाइप कर सकते हो। उसके बाद इसको अगर आप ज़्यादा जोर से कर दोगे ना तो ये फट भी सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, क्वालिटी खराब हो जाएगी। उससे अच्छा हल्का हल्का कर दो, उसके बाद चाहो तो आप उसमें बहुत सारा डीओ मार लेना। अब जब आपके सारा स्नीकर वगैरह साफ हो चुके हैं तो जो बचा हुआ सोल्यूशन है उसके अंदर आप अपने लेसेस निकाल के डुबा सकते हो और थोड़ी देर उसमें डुबा के रख के लेसेस को बाहर निकाल के हल्के हाथ से ब्रश से उनको थोड़ा थोड़ा घिस देना। ज्यादा जोर से घिसोगे तो अगेन उसके फाइबर निकल के आ जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं तो हमेशा यही रेकमेंड करूंगा कि स्पेशली अगर आपके व्हाइट लेसेस हैं तो यार लेसेस तो 70-80 रुपए में मिल जाते हैं आप अमेजोन वगैरह से मंगवाओगे तो वो लेसेस ही खरीद लो न्यू। मतलब पुराने क्यों ही साफ कर रहे हो, न्यू लगा लो उसमें। एंड नेक्स्ट स्टेप है कि इसको ड्राई कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसको 15 मिनट के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए बाहर धूप में रखना है। लेकिन याद रखना स्नीकर के अंदर शू ट्री डला हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो बेसिकली सन में जब आप रखोगे तो क्योंकि तब हीट होता है आपका स्नीकर, तब उसकी शेप चेंज हो सकती है। तो आप चाहते हो कि अंदर शू ट्री लगाओ ताकि वो टाइट हो और उसकी शेप रिटेन हो जाए। एंड 15 मिनट सन में रखने के बाद आप उसको अभी बाहर ही रखो, लेकिन थोड़ी सी शेड में रखो ताकि सन उसको डैमेज ना कर पाए। और उसको जल्दी सुखाने के लिए उसके अंदर बहुत सारे आप या तो पेपर टॉवल उसके अंदर ठूस सकते हो या फिर आप उसके अंदर न्यूज़पेपर ही निचोड़ के उसके अंदर डाल दो। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप उसके अंदर बहुत सारी डीओ स्प्रे कर दो, क्योंकि हमने बाहर से साफ किया है, अंदर से साफ नहीं किया। एंड इवन दो सन में रखने से उसके काफी बैक्टीरिया मर जाते हैं, बट एकदम जो अंदर घुसे हुए बैक्टीरिया उनको मारने के लिए हमें डीओ डालना ही पड़ेगा। और अगर आप उसमें डीओ नहीं स्प्रे करना चाहते, अपना डीओ नहीं वेस्ट करना चाहते, तो आप ग्रीन टी के बैग्स भी डाल सकते हो। एंड लास्ट स्टेप जो कि ऑप्शनल है बट मैं पक्का से कर लेता हूं, जब पूरा सूख जाता है, सब साफ हो जाता है, लेसेस वगैरह भी वापस लगा चुका होता हूं, तब मैं उसके ऊपर एक वाटरप्रूफ स्प्रे या वेदर प्रूफिंग स्प्रे लगा देता हूं। इससे क्या होता है कि आपने अभी साफ किया है उसके ऊपर आप अभी से प्रोटेक्शन लगा दोगे तो नेक्स्ट टाइम गंदा कम होगा। एंड एकदम लास्ट पॉइंट यह है कि अगर आप मेरी तरह आलसी हो तो कुछ स्नीकर क्लीनिंग सर्विसेज भी होती हैं। मैंने भी अपने काफ़ी स्नीकर्स बहुत बार दिए हुए हैं स्नीकर क्लीनिंग सर्विसेज में, मुझे फ्री मिलती है इसलिए मैंने दे दिए। बट इसमें मैं सिर्फ वो देता हूँ स्नीकर्स जो कि बहुत मुश्किल होते हैं साफ करने, जो कि मैं खराब कर दूंगा। वहाँ पे प्रोफेशनल साफ कर रहे होते हैं तो बढ़िया से साफ होकर आ जाते हैं, बट ये तभी करना अगर आपके पास फालतू का पैसा है, मेरे को तो फ्री में मिलता है। एंड दैट्स इट, अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 7000 लाइक कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा 2000 रुपीस का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर्स को। सारी डिटेल्स स्क्रीन पे है, अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन करना मत भूलना। कमेंट्स में लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।